दोस्तों, अगर आपको भी सीआईडी शो देखना पसंद है और आप सीआईडी के इंस्पेक्टर अभिजीत यानी कि आदित्य श्रीवास्तव को देखना पसंद करते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, अभिजीत पर हो चुका है जानलेवा हमला। किसने किया है अभिजीत पर हमला, कैसे हुआ ये जानलेवा हमला, क्या अभिजीत इस हमले से खुद को बचा पाएंगे, सब कुछ दोस्तों आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन यानी कि जो घंटी का बटन है उसको भी ज़रूर दबा लें ताकि हमारे सारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमला है अभिजीत के ऊपर, ये आपको देखने को मिलेगा सीआईडी के आने वाले सीजन 2 के 7वें या फिर 8वें एपिसोड में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूँ कि सीआईडी का जो सीज़न 1 था वो अक्टूबर 2018 में बंद हो गया था और उसके बाद 2019 में सीआईडी का सीज़न 2 नहीं आ सका और 2020 की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, और बहुत ही जल्द सीआईडी का सीज़न 2 आपको सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर देखने को मिल सकता है। जहां तक बात है दोस्तों अभिजीत पर होने वाले हमले के बारे में, तो सीआईडी की टीम जाती है ट्रैकिंग पर। जी हाँ दोस्तों, सीआईडी की टीम बहुत ही जल्द ट्रैकिंग पर जाने वाली है, रियल में नहीं दोस्तों, उस एपिसोड में। तो उस एपिसोड में ट्रैकिंग पर जाने के बाद दोस्तों, सीआईडी की टीम थोड़ी अपनी थकान मिटाने के लिए, वहाँ पे एक झरना होता है तो वो लोग वहाँ पे नहाने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों, पानी के अंदर जैसे ही अभिजीत अपना पैर रखते हैं तो पानी के अंदर उनको कोई खींच के ले जाता है, तो उनका सर जो है वो पानी के अंदर एक पत्थर से टकरा जाता है और उनके सर से खून बहने लगता है। तो दया ये देखकर दोस्तों पानी के अंदर कूद पड़ते हैं और अभिजीत को खींच कर बाहर ले आते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, अभिजीत का हालत कैसा होता है, क्या अभिजीत बच पाएंगे, अभिजीत की जान बच पाएगी या नहीं, सीआईडी के बाकी मेंबर्स के ऊपर हमला होता है कि नहीं, ये जानने के लिए दोस्तों आपको देखना पड़ेगा सीआईडी के आने वाला 7वां और 8वां एपिसोड। तो दोस्तों, आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग इस एपिसोड को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, अभिजीत के ऊपर होने वाले हमले को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। और मैं मिलता हूँ आप सबसे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।